एनएचएआई के बारे में बता रहे थे कि एनएचएआई की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एनएचएआई की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एनएचएआई की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ, एक भी पार्टी का एमपी नहीं कर सकता। सर एनएचआई ट्रिपल ए रेटिंग है राजीव जी, कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है, मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे अब 40 मिनट में आ रहे हैं।